नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबरों पे। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में गर्जे कांग्रेस नेता, कहा परिवर्तन की लहर बता रहे हैं पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत, लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाया। दतिया पहुंचे जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिनवाई सरकार की योजनाएं, हितग्राहियों को बांटे योजनाओं के चेक, जानी समस्या। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक बिलासपुर में हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और अन्य नेताओं ने कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इस दौरान सभी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं में जोश भर दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर अपने नेताओं में चुनावी जोश भरने की कोशिश की। इस दौरान सबसे पहले विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे रविंद्र चौबे ने अपने भाषण दिए और कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की लहर है जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इसी तरह प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कांग्रेस की रणनीति का खुलासा करते हुए कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। इस बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की रमन सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बैठक में प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, अरुण उराव, चंदन यादव, टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया सहित कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां डॉक्टर मिश्रा ने दतिया के वृंदावन धाम पहुंचकर हितग्राही सम्मेलन में शिरकत की और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 872 हितग्राहियों को 5 करोड़ की राशि के चेक प्रमाण पत्र वितरित कर और समस्या जानी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर मिश्रा अपनी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए। मिश्रा ने यहां जन समुदाय के बीच पहुंचकर भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। दतिया से रवि रायकवाड़ की रिपोर्ट। किसी से घर को पूछा गया कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन चुनाव के टाइम वो आ जाते हैं, उनसे पूछो तुमने क्यों नहीं करा था ऐसा, इसका जवाब नहीं दे पाए। अच्छा एक बात आप बता के बताओ, इतने सारे लोग बोल गए इस पर दतिया के विकास की बात कर रहे थे, दतिया में विकास आपको लगता है हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गरीबों को रहने के लिए पक्का मकान मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि दी जाती है, लेकिन सीहोर जिले के इछावर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत काली पीपल जागीर में रोजगार सहायक सचिव पर ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर राशि वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, जिन ग्रामीणों द्वारा पैसे नहीं दिए जाते हैं उनको योजना का लाभ नहीं दिया जाता। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है, सर्वे के दौरान ही गांव वालों से पैसे वसूले जाने का आरोप है। इस संबंध में जनपद सीईओ डीएन पटेल से बात की तो उनका कहना है कि आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, मैं जांच कर कार्रवाई करूंगा। इछावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट। इसमें सर्वे हो रहा है तो कई लोग उनका पैसे लेकर काम करते हैं, तो कई लोग उनके जो पैसे नहीं देता उनका काम नहीं हो रहा। नहीं तो अभी तक कितने लोगों से वो पैसे ले चुके? करीबन दे चुके। कितने? 5 लोगों ने दे चुके। करीबन 5 लोगों का पता है आपको? हाँ इतना है, मेरे संज्ञान में नहीं है। जैसे आप लोग बता रहे हैं तो मैं परीक्षण करके जरूर कार्रवाई करूँगा। नहीं तो अभी फिलहाल में अपन इन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? नहीं सर्वे का काम चल रहा है, 30 सितंबर तक सर्वे करना है उनको। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई थी अभी तक किसी अनियमितता की, यदि आप लोग बता रहे हैं तो परीक्षण कराके कार्रवाई करूँगा। बड़नगर में एक ही दिन में 90 लाख से अधिक के विकास कार्य का क्षेत्रीय विधायक मुकेश पांड्या ने लोकार्पण किया। इस मौके पर इलाके के सभी नेता मौजूद रहे। विधायक पांड्या ने लोकार्पण के माध्यम से जो सौगातें दी हैं, उनमें से ग्राम पंचायत बगरेड में 6,60,000 पशु चिकित्सालय, 1,55,000 से बना यात्री प्रतीक्षालय, 12 लाख से 60,000 से बनी 2 आंगनबाड़ियों की सौगात दी। इस मौके पर CC रोड की का भी लोकार्पण
अर्पण किया। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सोहनलाल गुर्जर, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण राबड़ समेत अन्य नेता उपस्थित रहे। बड़नगर से विजय नीमा की रिपोर्ट। आज बंगरेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुलता मेरा ये जो गांव है निवास बंगरेज और हमारे मुकेश जी पंड्या क्षेत्र के विधायक के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो बंगरेज की पंचायत में 90 लाख का विकास हुआ और बड़नगर ग्रामीण की हर पंचायत में कई 90 लाख तो कहीं 1 करोड़ तो कहीं 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ तक के जो विकास हुआ है हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ये विकास हुआ है और हमारे यशस्वी विधायक श्री मुकेश जी पंड्या के नेतृत्व में और हमारे जनपद अध्यक्ष श्री सोहन सिंह जी गुर्जर और हमारे जनपद के उपाध्यक्ष भाई विजय चौधरी हम सब के सरकार के प्रतिनिधि और संगठन ने सबको साथ में लेकर इस कार्य को जो है पूर्ण किया है और आगामी जो भी काम होंगे वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम और विकास होगा और हमारे मुकेश जी पंड्या सतत ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करके क्षेत्र का विकास करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।